अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। वेलकम ऑल ऑफ यू एके फिजिक्स में, हूँ अवैस खान और आज हम पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट फिजिक्स का लेक्चर नंबर 13। लेक्चर नंबर 13 में हम पढ़ेंगे इवर्ट्स कंस्ट्रक्शन के बारे में। इवर्ट कंस्ट्रक्शन के बारे में जाने से पहले मैं आपको इवर्ट स्पेयर के बारे में समझा देता हूँ। इवर्ट स्पेयर क्या चीज़ है। इवर्ट स्पेयर इज ज्योमेट्रिकली कंस्ट्रक्शन, एक ज्योमेट्रिकली कंस्ट्रक्शन है जो जो कि यूज होती है एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी में यूज होती है। फॉर व्हाट, मतलब पर्पस क्या है इसका, टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन द व्हाट द वेव वेक्टर ऑफ इंसिडेंट एंड स्केटर्ड आर डायफ्रेक्टेड डायफ्रेक्टेड एक्स रेज बीम। ठीक है, जो एक्स रेज जो बीम है उसके जो इंसिडेंट और डायफ्रेक्टेड रिलेशनशिप है उसको फाइंड करने के लिए यूज होती है। इवोल्ड ने बेसिकली ये कहा था कि जो ब्रेक्स कंडीशंस है वो हम रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर में समझ सकते हैं। लाइक कैसे, फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कुछ पॉइंट्स ले लेता हूँ, लाइक दिस वन 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, अब इसमें से कोई एक ऑर्बिट्री पॉइंट कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, लाइक दिस, इसको मैंने कंसिडर किया ए। अब यहां से एक वेक्टर ड्रा करेंगे टुवर्ड दिस, और ये जो वेक्टर मैंने ड्रा की इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, इसकी डिस्टेंस होगी 1/λ। ठीक है, ना तो 1/λ से ज्यादा होगी ना तो 1/λ से कम होगी, जस्ट इक्वल टू 1/λ। अब इस डिस्टेंस को कंसिडर करते हुए हम क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रा करेंगे। ठीक है, अगर मैं इस तरह कर लू, यहां पर भी पॉइंट ले लू, ओके, लेट्स टेक अनदर पॉइंट। सो हियर विल द पॉइंट एंड हियर विल द पॉइंट। अब इस तरह करते हैं, सर्कल को ड्रा करते हैं, एक पॉइंट यहां पर आया, एक पॉइंट यहां पर आया। ठीक है, लेट्स कंसिडर, हमने इसको एक सर्कल, एक्चुअली ये तो स्पेयर है लेकिन 3D तो यहाँ ड्रा नहीं हो सकता, सो वी कंसिडर एज लाइक अ सर्कल। हम सर्कल को कंसिडर करते हैं, इस सर्कल का जो ये वाला डिस्टेंस आपको नजर आ रहा है इसको कंसिडर करते हुए, इसको रेडियस कंसिडर करते हुए हमने क्या किया, इस पूरे सर्कल को ड्रा किया। अब इस जो आपको ये पॉइंट नजर आ रहा है इसको मैं ओ पॉइंट देता हूँ। इस ओ पॉइंट से मैं एक रेसिप्रोकल वेक्टर ड्रा करता हूँ टुवर्ड व्हाट, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि समझ आ जाए। ठीक है, मैंने एक रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर ड्रा किया है। ठीक है, हैविंग द मेलन इंडेसेस ऑफ व्हाट, एच डैश के डैश एंड एल डैश, जिसकी मेलन इंडेसेस एच के एल डैश है। अब यहां पर हम इसके कॉमन फैक्टर भी पुट कर देते हैं, लाइक एन इंटू के एन इंटू के सॉरी एन इंटू एच एन इंटू के और एल इंटू एन इंटू एल। ये जो एन आपको नजर आ रहा है यहाँ पर एवर्ड कंस्ट्रक्शन में, ये क्या है, इट इज अ कॉमन फैक्टर। ठीक है, ये कॉमन फैक्टर है। हमने एक रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर ड्रा किया, एज ये तो बेसिक सी बात है, जो ए का बी तक का जो डिस्टेंस होगा वो भी क्या होगा, एस सेम होगा, किसके, 1/λ के बराबर होगा, बिकॉज दिस इज रेडियस, सो दिस विल बी आल्सो रेडियस, क्योंकि ये सर्कल है, सो द रेडियस विल बी आल्सो इक्वल। रेडियस क्या होंगे, सॉरी ऑलवेज बी इक्वल, रेडियस क्या होते हैं, वो ऑलवेज इक्वल होते हैं। ठीक है, ठीक है, ये जो रेडियस होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होता है सर्कल का, ऑल साइड का जो रेडियस होता है वो क्या होता है, सेम होता है। सो दिस विल बी आल्सो इक्वल टू दिस। अब ये जो रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर मैंने ड्रा किया है, इसके ये किसी प्लेन से बना होगा, यानी रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर की वीडियो जिसने देखी होगी तो वो आसानी से समझ लेगा, लेकिन फिर भी मैं समझा देता हूँ। रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर को जो परपेंडिकुलर होता है ये किसी प्लेन से बना होगा। ठीक है, और वो प्लेन क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, यानी नॉर्मल होगा, लाइक दिस। ठीक है, मैंने इस पॉइंट को ई का नाम दे दिया, ओके okay? अब ये जो डिस्टेंस आपको नजर आ रहा है ए टूवर्ड्स ई, ये क्या है, ये एक प्लेन है। अब यहां पर इसको हम कंसिडर करते हैं एंगल, और ओ बी का जो डिस्टेंस आपको नजर आ रहा है, ओ बी विल बी इक्वल टू व्हाट, ओ बी विल बी इक्वल टू द रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर, कर्ल लैटिस वेक्टर, ओके। अच्छा, अब इस तरह करते हैं हम इस ये वाला ट्राइंगल कंसिडर करते, दिस विल बी थीटा, ओके। थीटा के जो एडजेसेंट साइड होता है वो क्या होता है, बेस होता है, और जो सामने होता है परपेंडिकुलर होता है। ये वाला क्या है, कौन सा साइड है, ये हाइपोटेन्यूज है। सो वी कंसीडर एन एंगल व्हाट, वी कंसीडर एन एंगल ऑफ अ साइन थीटा। साइन थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट, साइन थीटा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, बेसिकली है। ठीक है, परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है, ओ ई है, सो ओ ई विल बी डिवाइडेड बाय 1/λ। ठीक है, अब इस तरह करते हैं, ये हमारे पास ओ ई की वैल्यू है। ठीक है, इस तरह करते हैं
ओ ई की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, ओ ई की वैल्यू आएगी, ये जो लैम्डा है ये उल्टा हो जाएगा, सो ओ ई विल बी इक्वल टू साइन थीटा, ये जो वैल्यू आपको नजर आ रही है ये उल्टा हो जाएगी, सो ओ ई लैम्डा विल बी इक्वल टू व्हाट, साइन ऑफ थीटा, सो ओ ई विल बी इक्वल टू साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय लैम्डा, ठीक है। ये किस चीज की वैल्यू है, ये हमारे पास ये ओ ई की वैल्यू है, ठीक है, ये जो ओ ई आपको नजर आ रहा है इसकी वैल्यू है, ठीक है। नाउ OB की वैल्यू हम फाइंड करते हैं, दिस विल बी द OB वेयर दिस, इस पॉइंट को हम कौन सा नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को हम B कंसीडर करते हैं, ठीक है। अब ये जो रेसिप्रोकल लेटस वेक्टर नजर आ रहा है, OE की वैल्यू हमने फाइंड कर दी, ठीक है। अब ये जो रेसिप्रोकल लेटस वेक्टर और Q फाइंड की, उसका रीजन मैं आपको बताता हूं, क्योंकि OB हमारे पास किसके बराबर है, OB हमारे पास, OB का जो डिस्टेंस है वो ट्वाइस ऑफ द व्हाट, OB विल बी इक्वल टू व्हाट, ट्वाइस ऑफ द OE, दैट्स व्हाई वी फाइंड द वैल्यू ऑफ OE। So, OE की वैल्यू हमारे पास फाइंड है, पहले से वी पुट हियर द वैल्यू ऑफ OB, सो OB विल बी इक्वल टू व्हाट, 2 इनटू व्हाट, साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय लैम्डा, ठीक है। दिस विल बी इक्वेशन फर्स्ट, ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ठीक है। अब ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट आ गई। अब ये जो OB आपका डिस्टेंस, जो OB का आपको डिस्टेंस नजर आ रहा है, ये क्या है, रेसिप्रोकल लेटस वेक्टर है, एंड दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, OB विल बी इक्वल टू व्हाट, ये क्या है इसका, यानी मैंने पहली क्लास में रेसिप्रोकल लेटस वेक्टर की क्लास में कहा था कि जो मैग्नीट्यूड होता है रेसिप्रोकल लेटस वेक्टर का, जो मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी इक्वल टू नॉर्मल, यानी परपेंडिकुलर 1 ओवर d टू दैट प्लेन, यानी 1 ओवर d टू दैट प्लेन, और प्लेन के मेरिट इंडिसेस क्या है, h डैश k डैश एंड l डैश, ठीक है। सो OB will be equal to what? OB will be equal to, यहाँ पर हम कॉमन फैक्टर भी पुट कर देते हैं उधर से, सो OB will be equal to n over h k l, इसकी मेरे इंडिसेस हो गए। दिस विल बी इक्वेशन व्हाट, दिस विल बी इक्वेशन सेकंड, दिस हम क्या कहते हैं, इक्वेशन सेकंड कहते हैं। नाउ जो एक साइड है, जो इक्वेशन की एक साइड है वो सेम है, लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो सेम है, सो वी कंपेयर दिस इक्वेशन, जब हम इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे वी गेट व्हाट, वी गेट, हम यहां पर क्या हासिल करेंगे, दैट 2 sin of theta divided by lambda will be equal to what, divided by, and यहां पर मेन इंडिसेस को हम पुट करेंगे, सो बी हो जाएगा, मेन इंडिसेस के कॉमन फैक्टर हमने पुट कर दिए, सो n डिवाइडेड बाय व्हाट, n डिवाइडेड बाय d, ओके, सो 2 sin theta will be equal to sin theta divided by lambda is equal to n d, सो 2 sin theta 2 lambda, सो 2 डी, यानी डी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा लेमडा उधर बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सो डू 2d साइन थीटा इज इक्वल टू एल लेमडा, एंड दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी द ब्रेग्स लॉ, यानी अगर ये कंडीशन फॉलो होती है तो वहां पर डायफ्रेक्शन होगी ही होगी, बट यहां पर एक बात याद रखिए, यहां पर जो इवॉल्व कंस्ट्रक्शन में जो एन आपको नजर आ रहा है, दिस विल बी द कॉमन फैक्टर, क्या है, कॉमन फैक्टर है, और ब्रेग्स लॉ में जो आपको ये एन नजर आ रहा है वो क्या चीज है, ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी यहां पर ये जब आएगा तो ये क्या कहलाएगा, इस कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाएगा, और यहां पर ये क्या है, कॉमन फैक्टर है, ठीक है। ये तो हमारे पास मैथमेटिकली आ गया, 2d sin थीटा ऑफ एल लैम्डा ब्रेक्स लॉ कंडीशन है, ब्रेक्स लॉ की कंडीशन का मतलब यहां पर फिजिकली क्या मतलब है, यानी कि यहां पर जो OB का डिस्टेंस आपको, यानी OB का ये इस सर्कल, यानी ये जो हमने सर्कल ड्रा किया है, अगर यहाँ इस रिसिप्रोकल पॉइंट्स पर ये सर्कल इसको टच ना करता, ये जो रिसिप्रोकल पॉइंट आपको नजर आ रहा है सर्कल, अगर यहाँ पर टच ना करता तो यहाँ से हम ये रिसिप्रोकल लेटस वेक्टर ड्रा नहीं कर पाते, ठीक है। और अगर रिसिप्रोकल लेटस वेक्टर ड्रा नहीं कर पाते सो वी कांट, हम ये वाला जो रिलेशन हमने डिफाइन किया ये हम ना डिफाइन कर पाते, और अगर ये वाला रिलेशन डिफाइन ना कर पाते सो OA का जो डिस्टेंस है उसे हम 1 ओवर लैम्डा नहीं कहते, और 1 ओवर लैम्डा नहीं कहते तो ये वाली कंडीशन ना आती, और अगर ये वाली कंडीशन ना आती तो यहां पर ब्रेक्स लॉ की कोई बात ही नहीं होती। सो इसका मतलब ये है कि ये सर्कल जिस भी रेसिप्रोकल पॉइंट पे टच करेगा, यानी ये जो हमने इस रेडियस कंसीडर किया, इस रेडियस के तहत हम इस सर्कल को ड्रा करेंगे, ये स्फीयर को, यहां पर 2 डायमेंशन है सो हम वी कंसीडर एज अ सर्कल, और अगर 3 डायमेंशन होगा तो स्फीयर, यानी ये जो स्फीयर या ये जो सर्कल इस रेडियस पर जिस भी पॉइंट से प्रोकल पॉइंट को टच करेगा वहां पर क्या होगी, वहां पर डायफ्रेक्शन होगी ही होगी, ठीक है। सो ये थी रिवर्स कंस्ट्रक्शन के बारे में कुछ बातें, अब आते हैं इसके फिजिकली मीनिंग पर। ठीक है, अब इस तरह करते हैं, इसके जो भी साइड्स हैं, यानी फॉर एग्जांपल
इसके जो ऑल साइड्स हैं वो क्या कंसिडर करने हैं हमें, ठीक है, उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 2π से, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल OA का जो डिस्टेंस है उसको वो किसके बराबर है, 1 वो लैम्डा के बराबर है, ओके, हम इसको 2π से मल्टीप्लाई करते हैं, सो देन इट विल बी इक्वल टू व्हाट, 2π डिवाइडेड बाय लैम्डा, एंड व्हाट इज 2π डिवाइडेड बाय लैम्डा, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, दैट विल बी इक्वल टू k, ठीक है। अब ये जो लाइन नजर आ रही है ये क्या है, इंसिडेंट रे है, ये क्या है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, सो इंसिडेंट रे जो हम डिनोट करते हैं वो k से डिनोट करते हैं, और ये जो आपको OB का डिस्टेंस नजर आ रहा है, दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी रेसिप्रोकल लेटेस्ट वेक्टर, एंड दैट विल बी डिनोटेड व्हाट, दैट विल बी डिनोटेड बाय g, ठीक है। और ये जो आपको नजर आ रहा है AB का जो डिस्टेंस आपको नजर आ रहा है ये क्या है, ये हमारे पास है k डैश, यानी स्केटरिंग जो आपको नजर आ रहा है, स्केटर जो रे होगा वो क्या है, उसको हम किससे डिनोट करते हैं, k डैश। अब यहां पर जो सिंपल वेक्टर एडिशन, यानी कि मैं आपको कहूं कि यहां पर जो आपको k नजर आ रहा है, दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी k, आपको जो नजर आ रहा है दिस विल बी इंसिडेंट वेव वेक्टर, एंड k प्राइम विल बी स्केटर या डायरेक्टेड, जो भी आपके स्केटर वेव वेक्टर, ठीक है। अब सिंपल वेक्टर एडिशन से, यानी सिंपली वेक्टर एडिशन आप कंसीडर करते हैं, सो दिस विल बी, ये वेक्टर क्या है, ये k है, एंड ये वेक्टर क्या है, g है, सो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, k प्लस g, यानी ये k है और ये g है, दिस विल बी वेक्टर विल बी इक्वल टू व्हाट, k प्लस g, सो k प्राइम को हम किससे डिनोट कर सकते हैं, दैट विल बी नोटेड बाय k प्लस g, सॉरी k प्लस g को हम किससे डिनोट करते हैं, k प्राइम से। अब यहां पर ये जो वेक्टर है, पहले मैंने आपको कहा था ये एक सर्कल है और ये एक रेडियस है, सो दिस रेडियस विल बी इक्वल टू दिस, ये रेडियस इस रेडियस के बराबर होगी, ये रेडियस इस रेडियस के बराबर है, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ व्हाट, मैग्नीट्यूड ऑफ OA का जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास बराबर है किसके, AB के मैग्नीट्यूड के, ठीक है। वी पुट द स्क्वायर, हम बोथ साइड स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है, ये पहले इसको पुट करते थे, सॉरी पहले इस तरह करते हैं, इसको पहले पुट कर देते हैं, इजी हो जाएगा, या पहले स्क्वायर ले लें आप, ठीक है, या इस पर भी स्क्वायर ले लें, इस पर भी स्क्वायर ले लें, कोई फर्क नहीं, ठीक है। सो दिस विल बी इक्वल टू के स्क्वायर विल बी इक्वल टू व्हाट, AB का होल स्क्वायर, AB विल बी इक्वल टू k प्लस g होल स्क्वायर, बेसिक फार्मूले a प्लस b होल स्क्वायर के फार्मूले के तहत हम इसको खोल लेते हैं, k स्क्वायर विल बी इक्वल टू व्हाट, k स्क्वायर प्लस g स्क्वायर प्लस 2kg, k स्क्वायर हमारे साथ k स्क्वायर के साथ खत्म हो जाएगा, एंड g स्क्वायर प्लस 2kg ये बराबर हो जाएगा हमारे पास किसके, जीरो के, ठीक है। सो ये हमारे पास लेटेस्ट इक्वेशन, ये लास्ट में आपको इक्वेशन नजर आ रही है, जी स्क्वायर प्लस 2kg इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू जीरो, ये क्या है, ये हमारे पास वेक्टर फॉर्म है, और ब्रैग्स लॉ की क्या है, वेक्टर फॉर्म है, और इसको यूज करते हुए हम अगली लेक्चर में बैलेंस जोन्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सो ये थी वर्ल्ड कंस्ट्रक्शन के बारे में। लास्ट में एक बात ये याद रखिए, यहाँ पर इलास्टिकली इंटरेक्शन हुआ है, यानी इस मैग्नीट्यूड, ये जो k का आपको मैग्नीट्यूड नजर आ रहा है, ये मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, बिकॉज रेडियस तो मैग्नीट्यूड सेम है, बट इनके डायरेक्शन में क्या है, क्या हुआ है, चेंजेस, इनकी डायरेक्शन चेंज हुई है, ठीक है, यानी एनर्जी में कोई चेंज नहीं है, ओनली मोमेंटम चेंज, ठीक है। सो यहाँ पर इलास्टिकली इंटरेक्शन आया है, ओके, उम्मीद है आप लोगों को क्लास की समझ अच्छे से आई होगी, और अगर क्लास की समझ अच्छे से आई है सो प्लीज़ लाइक कीजिए, और जितना ज़्यादा शेयर करते हैं कर सकते हैं सो शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।